अस्सलाम वालेकुम, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑल फूड रेसिपी पर। आज हम आपके लिए लाए हैं चिकन स्प्रिंग रोल्स बहुत ही सिंपल वे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले यहाँ पर हमने लिए शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, कुछ मसाले लिए हैं गाजर, प्याज, हरी मिर्च। अब एक कढ़ाई में ऑयल गरम करेंगे। ऑयल को हमें मीडियम आंच पर गरम करना है। इसके अंदर हम डालेंगे शिमला मिर्च। यहाँ पर मैंने पीली, लाल और हरी शिमला मिर्च ली है, ये ऑप्शनल है, आप लेना चाहें ले सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, कोई भी चलेगी। अब इसको हमें हल्के से फ्राई करना है। ध्यान रखिएगा कि सब्जियों को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, थोड़ा सा इनको हमें क्रंची करना है। ज़्यादा पकाने से ये सॉफ्ट हो जाती है, इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब इसके अंदर हम पत्ता गोभी डालेंगे, उसको भी एक बार चलाएंगे। अब इसके अंदर गाजर कसी हुई, थोड़ी सी प्याज जिसको मैंने बारीक काट लिया था, कटी हुई हरी मिर्च, इन्हें भी एक बार चला देंगे। अब हम चिकन लेंगे। चिकन को हमने बॉईल कर लिया था और एक मैशर की मदद से अच्छे से इसको हमने मैश कर लिया है। आप चाहे तो इसको ग्राइंडर के अंदर भी मैश कर सकते हैं, अगर चॉपर है आपके पास उसमें भी आप इसको चॉप कर सकते हैं। बोनलेस चिकन लीजिएगा यहाँ पर, उसको भी एक बार चला दीजिए। इसके बाद कुछ मसाले हैं, कुटी मिर्चें हैं, पेरी पेरी मसाला है, ऑर्गेनो है, नमक है, चाट मसाला और लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर, इन सबको इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे डार्क सोया सॉस, थोड़ी सी टोमेटो सॉस। अब इन सभी चीज़ों को हमें 3 से 4 मिनट तक पकाना है। जब सब्जियां हमारी पक जाएं उसके बाद हमें गैस की फ्लेम को बंद करके इस स्टफिंग को ठंडा कर लेना है। अब हम यहाँ पर लेंगे शीट, ये शीट्स हमें बाज़ार के अंदर इजीली मिल जाएंगी, समोसा शीट्स होती हैं ये। अब स्टफिंग लेंगे और एक किनारे से इस तरह दबाएंगे, फिर एक फोल्ड करेंगे। अब इसको इस टाइप से हमें फोल्ड करना है। आप चाहे तो कोई भी शेप के अंदर आप अपनी स्टफिंग भरकर इसको रोल कर सकते हैं, जैसा भी आपको आती हो। अब हमने 1 चम्मच मैदा लिया, मैदा को हमने पानी के अंदर घोल लिया था। इसके बाद हम इसका घोल इन पट्टियों के ऊपर लगाएंगे इस तरह से, ताकि ये अच्छे से चिपक जाए और ये फिर हमारे रोल्स खुले नहीं। अब एक एक करके हम सारे रोल्स बना लेंगे। आप अपने घर पर इस टाइप से ये रोल्स बनाकर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। आप ज़रूर अपने घर पर ट्राई कीजिएगा, इन्हें बहुत इजी तरीके से बन जाते हैं और बहुत ही कम समय लगता है इन्हें बनाने में। ये सारे रोल्स हमने तैयार कर लिए हैं। अब इनको हम फ्राई करेंगे मीडियम आंच पर। हम ऑयल को गरम करेंगे और एक एक करके सारे रोल्स ऑयल के अंदर, रोल्स को हमें मीडियम आंच पर गोल्डन फ्राई करना है। अगर आपको इसके इंग्रेडिएंट्स समझ में नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, आप वहां जाकर देख सकते हैं।
तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।